योगी सरकार में भी दबंगों व भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, झगड़े व मारपीट पर हुए अमादा। बिल्हौर तहसील के इंदलपुर शिवराजपुर गांव में खड़ंजा उखाड़ने के बाद उस पर अवैध निर्माण कार्य किए जाने की जानकारी पर गांव पहुंचे तहसीलदार बिल्हौर। तहसीलदार दोनों पक्षों को समझाकर गांव से बाहर निकले ही थे कि गांव के दबंगों ने उक्त अवैध निर्माण का विरोध कर रहे ग्रामीणों को घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। इधर झगड़े की सूचना पर पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ। थाना परिसर में दबदबा कायम रखने के लिए पहुंचे सत्ताधारी नेता, दबंग व दलाल किस्म के लोग। पुलिस प्रशासन से भी की नोकझोंक, सत्ता के संरक्षण से फल फूल रहा दबंग भूमाफिया बाबू शंकर मिश्रा। भूमाफिया नहीं मानता उच्च अधिकारियों के आदेश, अधिकारियों के रोकने के बाद दबंग सरकारी जमीन पर कर रहा कब्जा। पूर्व प्रधान द्वारा उसी जमीन पर पूर्व में डलवाया गया था खड़ंजा, दबंग खड़ंजे को उखाड़ कर शुरू कर दिया निर्माण। पीड़ित द्वारा विरोध किए जाने पर दबंगों ने की मारपीट। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के इंदलपुर गांव का मामला। जिला बौद्धिक प्रमुख, ये करीब एक सप्ताह से प्रकरण चल रहा था हमारे गांव में, थाना शिवराजपुर की पुलिस मिली हुई है, इसमें इन्होंने उनको संरक्षण दे रखा है बाबू शंकर और उनके गुंडों को, जो कि 15 साल से लगभग सरकारी खड़ंजा पड़ा था उस पर अवैध निर्माण करके भवन निर्माण कर रहे हैं, जबकि कानून को लेखपाल इसके पहले पैमाइश करके जा चुके हैं कि यहाँ नाली है, यहाँ खड़ंजा है। उसके बाद आज तहसीलदार भी आए और उन्होंने पैमाइश की, उसके बाद इनको लगा कि अब तो ये जगह हम इस पर जबरदस्ती कर नहीं पाएंगे, तो ये गुंडागर्दी करके और सभी ग्रामवासियों को जो वहाँ इनका विरोध कर रहे थे और महिलाओं के साथ, पुलिस प्रशासन की कोई मदद ली अभी तक? पुलिस प्रशासन कुछ सुनता नहीं है, मूक दर्शक की भूमिका पुलिस थाना शिवराजपुर की रहती है। अभी उस दिन जब अवैध निर्माण कर रहे थे तो सौरभ द्विवेदी ये थाना शिवराजपुर के जो दरोगा जी हैं वहाँ पे खड़े होके बनवा रहे थे, 112 नंबर डायल किया गया, वो भी मूक दर्शक बनी रही। जब चौबेपुर की फोर्स पहुंची तब उसने काम रुकवाया, शिवराजपुर की पुलिस मिली हुई है। अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।